नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। पिछले एक वर्ष में रीवा जिले के जवा, रीवा एवं नईगढ़ी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार में रिश्वत लेने के मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि शिकायत करने वाले किसी योद्धा से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, तभी ग्राम स्वराज स्थापित होगा। साथ ही अधिक से अधिक युवाओं से अपील की है कि लोकायुक्त से ट्रैप करवाने में आगे आए। भ्रष्टाचार उन्मूलन में प्रदेश के लोग आगे आए, तभी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की अवधारणा साकार होगी। दरअसल पिछले दिनों रीवा जिले के नईगढ़ी एवं मऊगंज जनपद में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र पांडे द्वारा शिवेन कुमार पटेल से गाड़ी के बिल पास करने और फर्जी FIR वापस लेने के मामले पर 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा है कि विंध्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं और नागरिकों ने मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि एक लंबे अरसे से ग्रामीण अंचल में दिन रात मेहनत का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के युवा और नागरिक भ्रष्टाचारियों को अधिक से अधिक रंगे हाथों ट्रैप करवा रहे हैं। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार पूरे देश में दीमक की तरह फैल गया है और बिना कमीशन कोई भी अधिकारी कोई भी कार्य कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राम स्वराज का सपना तो साकार होना दूर, दिन प्रतिदिन शोषण और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जनपद और जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत तक विकास के लिए आने वाली राशि में कमीशन खोरी चल रही है। इंजीनियर बिना कमीशन कोई भी काम नहीं करते, चाहे तकनीकी स्वीकृत पास करने का मामला हो या फिर मूल्यांकन या सत्यापन। हर जगह सरपंच और सचिवों से कमीशन लेकर CEO, उपयंत्री और सहायक यंत्री काम कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने प्रदेश के नागरिकों और विशेषकर युवाओं से आह्वान किया है कि वह आगे आकर अधिक से अधिक भ्रष्टाचारियों को लोकायुक्त से ट्रैप करवाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में सरपंच सचिवों को पहले ही स्तर से कमीशन देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायतों के कार्यों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव भी आगे आकर ऐसे भ्रष्ट जनपद CEO, अधिकारियों, कर्मचारियों और इंजीनियर को रंगे हाथों ट्रैप करवाएं और उनके ग्राम पंचायत और क्षेत्र के लिए आने वाली राशि का पूरा पूरा उपयोग कर विकास कार्यों में मिसाल स्थापित करें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नागरिकों को इसके विषय में किसी मदद की आवश्यकता पड़ती है तो आप बेहिचक उनकी हर संभव मदद मिलेगी। रीवा जिले के नईगढ़ी जनपद के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेश पांडे को अभी एक लोकायुक्त ट्रैप में पकड़ा गया है, रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए। वो मऊगंज जनपद के भी प्रभारी थे। इस मामले में जो कार्यवाही हुई है बहुत ही अच्छी है और हमें लगता है कि जो रीवा जिले की जो युवा हैं, जो जनता है और विशेष तौर पे विंध्य क्षेत्र के जो लोग हैं, वो प्रदेश में दीमक की तरह बढ़ते भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं और वो आगे आकर के इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। ऐसे नागरिकों को हम बहुत बधाई देते हैं और हमें लगता है कि पिछले 6-7 महीने के अंदर ये जवा में चुनाव के पूर्व हुआ था, अभी जून जुलाई के आसपास जवा जनपद के CEO मुख्य कार्यपालन अधिकारी वहाँ पर ट्रैप हुए थे और इसके बाद दो हुए, एक रीवा जनपद के और एक ये आपका नईगढ़ी और मऊगंज। तो ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारे जो रीवा की जनता है, हमारे जो विंध्य क्षेत्र की जनता है, प्रदेश की जनता है, वह आगे आ रही है और इसमें हम जनता से और भी इस तरह से आगे आकर के कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इसमें होगा क्या कि ये जो भ्रष्टाचारी जड़ जमाए हुए बैठे हुए हैं, जो देश को खोखला कर रहे हैं, इन्होंने बर्बाद कर दिया है। जो ग्राम स्वराज का सपना था उसको चकनाचूर करके रखा हुआ है, कमीशन का पूरा खेल चल रहा है, इससे ये सब धीरे धीरे खत्म होगा। और सबसे इसमें हमारी गुजारिश है, सभी हमारे जो युवा वर्ग हैं और साथ में हमारे प्रदेश के जो नागरिक हैं, विंध्य क्षेत्र के जो नागरिक हैं, कि वो इसी तरह से बेहिचक आगे आकर के इनको इसी तरह से रगे हाथों पकड़वाएं और ऐसे भ्रष्टाचारियों को इनके जो वास्तविक इनका ठिकाना है वहां तक इनको पहुंचवाएं। और विशेष तौर पर जो सरपंच सचिव हैं हमारे ग्राम पंचायतों के, हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जो उपयंत्री और सहायक यंत्री इस तरह से होते हैं जनपदों में जो बैठे हुए हैं, जो इंजीनियर, ये बिना कमीशन के कोई ASTS TS नहीं बनाते हैं और मूल्यांकन करना होता है वहाँ पे कमीशन खोरी। तो इससे होता क्या कि ग्राम पंचायत के जो कार्य है उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन आता है। ठीक है, आपने पैसा पहले ही दे दिया तो उसमें से बाकी आप काम कैसे अच्छे से करवा सकते हो, तो वहाँ फिर जाँच होती है, उल्टा सरपंच सचिवों के ऊपर आ रहा है। तो मैं सिर्फ इसमें सरपंच सचिवों से, विशेष तौर पर सरपंचों से ये मांग करता हूँ कि आप ऐसे
ऐसे इंजीनियर को भी इसी तरह से आप रगे हाथ पकड़वाएं और दो चार यदि ऐसे केस हो जाएंगे तो इनका सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और ये जो कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है टीएस बनाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, तो इसमें भी एक अच्छी अच्छी कार्यवाही हो जाएगी। और कुल मिलाकर के हमारी बधाई ऐसे नागरिकों के लिए जो इस तरह से हिम्मत करके काम कर रहे हैं, और जो भी सहयोग की अपेक्षा है हम तो सदैव इसके लिए तत्पर हैं। और हमें लगता है कि हम सबकी जो मुहिम है इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो आगे बढ़ रही है।